हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनू होम फूड एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जब हम बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो ये छोटा सा क्लिप रात का है, जब मैंने सारा काम कर लिया था किचन का, मतलब बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो उसके बाद मैंने ना सुबह की कुछ प्रेपरेशन करके रख ली थी यहाँ पर, क्योंकि सुबह बच्चों की फरमाइश हुई थी कि उनको खाना है आलू शिमला मिर्च मलाई वाले। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर आलू एंड शिमला मिर्च को कट कर लिया था। एंड आलूओं में ना पानी डालना ज़रूरी होता है जब हम उन्हें पहले ही कट करके स्टोर करते हैं फ्रिज में, वरना आलू का कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू एंड शिमला मिर्च को कट करके फ्रिज में स्टोर कर लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बादाम भिगो कर रख लिए थे। और इसके बाद एक ज़रूरी काम और था, और वो था फ्रूट कट करने का। तो वैसे तो कहते हैं कि फ्रूट जो है वो सुबह ही कट करने चाहिए, मतलब फ्रेश फ्रूट्स ही कट करके देने चाहिए, लेकिन अनार एक ऐसा फ्रूट है, मतलब इसे अगर हम पहले ही छील के रख ले तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना टाइम ही नहीं होता है अनार को छीलने का, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी भाग दौड़ रहती है। तो अनार को अगर हम रात को ही छील कर रख देते हैं ना, तो सुबह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं हमेशा ही जब भी मुझे अनार देना होता है बच्चों के लिए, उसे एक दिन पहले मतलब शाम को मैं उन्हें छीलकर फ्रिज में लगा देती हूँ। एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह सुबह उठकर ना सबसे पहले मेरा काम होता है पानी पीने का, तो एक ग्लास मैं पानी पीती हूँ। विंटर्स में तो वार्म पानी पीती हूँ, हल्का सा गर्म करती हूँ, लेकिन आजकल गर्मियों में ऑलरेडी पानी गर्म होता है तो इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आराम से बैठकर 2 से 3 मिनट बैठ जाती हूँ आराम से, और फिर मैं अपने मतलब पानी को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर हमें एक्टिव भी होना पड़ता है, सुबह सुबह उठने का बिल्कुल मूड नहीं करता है। तो आराम से 4-5 मिनट बैठने के बाद फिर जाती हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है, कढ़ाई भी रख दी है एंड सब्जियाँ निकाल कर रख ली हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर प्याज लहसुन वगैरह जो भी चीज़ें हमें चॉप करनी थी वो मैंने निकाली एंड उन्हें चॉप करने के लिए मैं लग गई। तो गाइस, रात को ही देखिए, अब मैंने सब्जियां कट करके रख ली थी, तो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए। अगर अभी मैं सब्जियां कट करने लगती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए बनाते हैं बच्चों की फेवरेट आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आलू शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम बच्चों की फेवरेट कैसे हो सकती है। तो गाइस, जिस तरीके से मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक्चुअली आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी ना मैं मलाई वाले बनाती हूँ, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली इसको बनाने की फरमाइश रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को बनाने के लिए ना मतलब सबसे पहले तेल डाला था। तेल गर्म करने के बाद जो भी हमारे बेसिक खड़े मसाले होते हैं वो डाले, लेकिन उसमें एक चीज़ और डाली है मैंने, और वो है दालचीनी। दालचीनी का इसमें बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, तो आप चाहें तो एक तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने प्याज, जैसे कि एज़ यूजुअल हम प्याज को भूनते हैं वैसे भूनेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आने तक। उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल दी थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद जब वो हल्का सा सुनहरा रंग के हो जाते हैं तो फिर टमाटर डाल दिए मैंने इसमें, और टमाटर के बाद जितने भी पाउडर मसाले होते हैं वो मैंने सारे डाल दिए। बेसिक से मसाले जो होते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई नया तरीका बिल्कुल भी नहीं मैंने इसके लिए यूज़ किया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। बस इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है एंड 1-2 इंग्रेडिएंट इसमें डालने से इसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तड़का हमारा अच्छे से भुन रहा है, जब तक उसे तेल नहीं निकलता है ना तब तक उस तड़के को अच्छे से पकाएंगे। एंड यहाँ पर आलूओं को मैं एक बार धोकर ले लूँगी, और यहाँ पर देखिए तड़का अच्छे से पक गया, आप देख सकते हैं इसके ऊपर तेल भी निकल गया है। तो बस ये आलू हम इसमें डाल देंगे, और आलूओं को ना अब हमने क्या करना है, थोड़ी देर भूनना है। मतलब थोड़े से आलू पक जाएं तब हम फिर इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो हल्का सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है जब हम ये मलाई वाले आलू एंड शिमला मिर्च बनाते हैं, तो हल्का सा पानी डालना इसमें ज़रूरी है। तो ये देखिए, अभी मैं क्या करूँगी, इसको ढक्कन लगा कर पकने के लिए रख दूँगी, और जब ये हल्के से पक जाएंगे, देखिए पानी इसका ख़त्म हो गया है और ये आलू पक चुके हैं, मतलब 70% पक चुके हैं। बाकी भी शिमला मिर्च डालने के बाद हम इन्हें पकाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और उसके बाद फिर ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट हम इसे और पकाएंगे।
तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रसीली सी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने यहाँ पर फिर रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया था। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था जब आलू पक रहे थे, तो उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई जल्दबाजी में। तो 2-3 मिनट का रेस्ट आटे को मिल गया था, और ज़्यादा रेस्ट तो मैं नहीं दे पाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो लेट होता है अगर हम आटे को रेस्ट देने लगे। तो मैं क्या करती हूँ उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट बना लेती हूँ ताकि उसको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोटियाँ एकदम से कैसे फूलती हैं तो इसका वीडियो फिर कभी शेयर करूँगी। तो ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, एंड यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी भी हमारी पक चुकी है। तो बहुत ही प्यारा सा कलर आया सब्जी का, एंड ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें दालचीनी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब लास्ट में ना एक अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देंगे मलाई। मेरे पास थोड़ी सी मलाई बची थी तो वही मैंने ऐड की है, लेकिन इसके डबल इसमें मलाई डालनी होती है। तो अगर आप ये सब्ज़ी बनाने की सोच रहे हैं ना तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें मलाई के डालें बड़े वाले, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। एक तो इसमें दालचीनी का टेस्ट आता है, दूसरे इसमें मलाई का फ्लेवर आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि हर सब्जी की शान होती है। तो यहाँ पर लंच बॉक्स के लिए तो सब्जी एंड रोटियाँ वगैरह बन गई थी, बस अब टाइम था उनके ब्रेकफास्ट का, क्योंकि बच्चे कुछ खाकर ही स्कूल जाते हैं। खासकर मेरे बच्चे तो कुछ खाकर ही जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको पहले से ही आदत डाली हुई है कुछ खाकर भेजने की। और सुबह का खाना ब्रेकफास्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो लाइट ब्रेकफास्ट मैं उनको देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 ब्रेड ले लिए और थोड़ा सा घी लगा लिया ब्रेड को, तो ब्रेड को सेक लूँगी। अच्छा, जिस घर में 2 बच्चे होते हैं ना तो दोनों की अलग पसंद होती है, शायद आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, शायद क्या ये सबके साथ ही होता है, दोनों बच्चों की पसंद अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर एक बच्चे के लिए तो मतलब सिंपल ब्रेड को ऐसे सेक लिया घी लगाकर, एंड अभी दूसरे बच्चे के लिए उसको भी स्पेशल खाना होता है, ऐसे सिंपल ब्रेड गर्म करके वो नहीं खाती है। तो बस इसमें मैं ना एक चीज़ डालूंगी जिससे ये ब्रेड बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और दोनों तरफ भी अच्छे से घी लगाना है, बहुत ही बढ़िया एंड टेस्टी ये ब्रेड लगते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो सीजनिंग स्प्रिंकल कर लेंगे, ये बिल्कुल गार्लिक ब्रेड की तरह टेस्ट आता है जब हम ये ऑर्गेनो सीजनिंग इसमें डालते हैं, क्योंकि इसमें गार्लिक का भी फ्लेवर होता है। तो थोड़ा थोड़ा नमक इसके ऊपर डाल देंगे और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी ब्रेड बनते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम गार्लिक ब्रेड खा रहे हैं, और बच्चों को तो गार्लिक ब्रेड उनके फेवरेट होते हैं। तो भाई अब लहसुन वगैरह कौन छीलेगा, कौन उनका पेस्ट बनाएगा जिसके लिए स्पेशली बच्चों को मतलब गार्लिक ब्रेड दिए जाएँ। तो मैं जब भी उसका गार्लिक ब्रेड खाने का मन होता है तो बस मैं यही काम करती हूँ, ऑर्गेनो सीजनिंग इसके ऊपर डाल के उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पर दूध भी गर्म हो चुका है, जस्ट गर्म ही किया है मैंने दूध को, क्योंकि रात को ही दूध बॉयल करके रख लिया था। तो ये मलाई के बगैर अभी दूध को मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है, और बस बच्चों को मैं ये दे रही हूँ, दूध के साथ बच्चे अपने अपने ब्रेड जो है वो खा लेंगे। और थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी, क्योंकि चीनी के बगैर फिर फीका दूध ब्रेड के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो एक एक चम्मच, छोटा चम्मच है, एक एक चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी का डाल दिया है। तो यहाँ पर बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, बच्चे नहाकर अभी वापस आ ही रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। इतने में डोरबेल बजी एंड डिलीवरी वाले भैया आ गए थे। एक्चुअली मैं ना रात को दही बनाना भूल गई थी, और बच्चे दही के बगैर खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए दही मंगवा लिया था सुबह सुबह, और दही के साथ में ये आइसक्रीम भी मंगवाई थी, कुछ और चीज़ें भी मंगवाई थी, क्योंकि अगर सिंपल दही मंगवाते ना तो दही के साथ फिर मतलब वो आने के चार्जेस भी लेते हैं। तो अगर मिनिमम मतलब 300-350 का सामान होना चाहिए तो फिर फ्री डिलीवरी वो करते हैं, तो इसलिए और भी चीज़ें मंगवा ली थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट मतलब लगा दिया था, और फिर बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, एंड मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स पैक किए। तो गाइस यहाँ पर मैंने ना नए लंच बॉक्स मंगवाए हैं बच्चों के लिए, पहले जो लंच बॉक्स थे वो बहुत ही अच्छे हैं, अभी उनको अभी मैं यूज़ करूँगी, लेकिन ये वाले लंच बॉक्स में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें एक हमें अलग से कोई भी जैसे आपको लिक्विड चीज़ बच्चों को देनी है ना तो इसमें अलग से एक डिब्बी आती है,
और वो भी कवर के साथ में। तो मैं दही इसमें डालती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता था जब मैं वो लंच बॉक्स देती थी ना बच्चों को, तो उसमें फिर दही देने के लिए मुझे एक अलग डिबिया देनी पड़ती थी, तो बच्चों के पास मतलब ज़्यादा डब्बे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये वाले परचेज कर लेती हूँ, तो मैंने ये परचेज कर लिए और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आए। एंड चार चार चीज़ें मतलब 4 काउंटर स्टेनलेस स्टील के बॉक्सेस हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पर ये देखिए लंच बॉक्स जो है अब बच्चे अपने बैग में डाल रहे हैं और फिर बच्चे भी रेडी हो गए थे, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो यहाँ पर ना फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है, मतलब मॉर्निंग रूटीन का जो बच्चों को भेजने तक का जो टाइम होता है ना बहुत ही टेंशन से भरा हुआ होता है, कहीं स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, तो ये जल्दी जल्दी में काम होते हैं। और यहाँ पर फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो गाइज यहीं तक का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है आज, आई होप आपको ये पसंद आएगा। इसे नेक्स्ट रूटीन मेरी क्या रहती है वो मैं जल्दी ही आपके साथ कभी शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना, अच्छे लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।